हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी की श्रुतिलेख यानी कि इंग्लिश में श्रुतिलेख को बोलते हैं डिक्टेशन, और हिंदी में उस डिक्टेशन को श्रुतिलेख और इमला भी बोलते हैं। तो आज का जो आपका हेडिंग होगा वो है मन के भोले भाले बादल। आप हेडिंग डालेंगे मन के भोले भाले बादल श्रुतिलेख। हम आपको धीरे धीरे बोलेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, और लिख के फिर जो हम बोलेंगे बाद में उसको पूरे को दिखाएंगे। आप खुद चेक कीजिएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। 15 मार्क्स का ये टेस्ट। अगर आपका एक अक्षर गलत होगा तो एक नंबर कट जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की श्रुतिलेख। लिखिए जब्बर जब्बर बालों वाले, जब्बर जब्बर बालों वाले। फिर से बोलते हैं जब्बर जब्बर बालों वाले। नेक्स्ट लाइन में लिखिए गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। ये एक कविता है तो आपको अगली लाइन में लिखना है। पहली लाइन है जब्बर जब्बर बालों वाले, अगली लाइन में लिखना है गुब्बारे से गालों वाले। नेक्स्ट लाइन में लिखना है लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में। फिर से बोलते हैं लगे दौड़ने आसमान में। नेक्स्ट लाइन में लिखना है झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर काले बादल। बादल के बाद आएगा पूर्ण विराम। जब दो अक्षर एक साथ लिखे जाते हैं जैसे झूम झूम, तो बीच में एक डंडा लगता है, लेटा हुआ डंडा जो हमने स्क्रीन पर दिखाया है। अब यहां तक हो गया। एक बार चारों लाइन को रिपीट करते हैं हम। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, पूर्ण विराम। अगली लाइन में लिखना है कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। फिर से बोलते हैं कुछ जोकर से तोंद फुलाए और कुछ हाथी से सूंड उठाए। अगली लाइन कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। ठीक है, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। अगली लाइन है कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाएं, कुछ परियों से पंख लगाएं। ठीक है, अगली लाइन है आपस में टकराते रह रह, आपस में टकराते रह रह, आपस में टकराते रह रह। अगली लाइन है शेरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले बादल, पूर्ण विराम। जो हमने स्क्रीन पर दिखाया है ये लंबा सीधा डंडा होता, पूर्ण विराम। ठीक है, शेरों से मतवाले बादल, पूर्ण विराम। अगली लाइन है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी। फिर से बोलते हैं कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, अगली लाइन है कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी, झर 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 बरसाते पानी, झर 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 बरसाते पानी। अगली लाइन है नहीं किसी की
सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। फिर से सुनिएगा, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। फिर से सुनिएगा, ढोलक ढोल बजाते बादल। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। पूर्ण विराम। अगली लाइन है, रह रह कर छत पर जाते। फिर से सुनिएगा, रह रह कर छत पर जाते, रह रह कर छत पर जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। फिर से सुनिएगा, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके। फिर से सुनिएगा, कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर से सुनिएगा, बाढ़ नदी नालों में लाते। अगली लाइन है, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं। फिर से सुनिएगा, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर से सुनिएगा, मन के भोले भाले बादल। और पूर्ण विराम आप सबने लिख ली होगी। और अब हम आपको पूरी कविता एक साथ स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप स्वयं चेक कीजिएगा। अगर आपका एक शब्द गलत है तो एक नंबर को कट कीजिएगा। 15 मार्क्स का ये टेस्ट है, 15 में से आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।